नमस्कार प्यारे दोस्तों, एस्पिरेंट्स, क्या हाल है। मैं सनी भोंसले बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों आपके अभी बीटेक के इस प्लेटफॉर्म पे। अब थोड़ी हार्ट बीट बढ़ने लगी होगी बिकॉज टाइम हमारे पास धीरे एक एक दिन कम होता जा रहा है और जो एग्ज़ाम में बहुत पास आ गया है ना। अब सही समय है कि आप लोग थोड़ा सा पुशअप करो अपने आप को, थोड़ा पढ़ाई के लिए फोकस करो, ठीक है। जिन्होंने जो शुरू से ही सी सेट की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं तो वो ये मत सोचो कि अब तैयारी नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है। माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, उन कोर्सेज उन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो जो आपने नहीं किए हैं। जैसे आज हम एवरेज कर रहे हैं तो माइक्रो कोर्स के थ्रू भी एवरेज डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा आज किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपका, एलिगेशन मिक्सर रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, दीज आर सम मेजर टॉपिक्स ऑफ आपके सी सेट की बात करूंगा, ठीक है। अगर आप डी आई की बात करें उसमें भी इनसे क्वेश्चन रिलेटेड आता है। तो माइक्रो कोर्स के थ्रू आप सारे का सारा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लेक्चर के एंड में आपको सारी मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के। डन, तो चलिए बच्चों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए बच्चों, ये आपके पास यूपीएससी 2020 का प्रश्न है, लगभग शांत मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश एवरेज। चलिए ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो कि हमारा यूपीएससी 2020 में हमसे पूछा गया था प्रीलिम्स में। डन, देखिए डेटा टेबल टाइप दिया था बट कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कहो कि जहां पे हमें पूरी स्टेटमेंट दी जाती थी वहां पे एक टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ। क्या दिया हुआ देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, आपको दिए गर्ल्स एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश। आपकी बॉयज की बात करूँ, अगर देखो मैं इंग्लिश की बात करूँ गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स के 9 मार्क्स हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं बॉयज़ की बात करूं यहाँ से क्या आने वाला है बताता हूँ मैं, बॉयज़ की बात करूं। वेट, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने एलिगेशन का चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरेज के लिए एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है वो है मेरा 7.2, मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो नीचे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वो कह रहा है बॉयज़ के 9 है और गर्ल्स के, या गर्ल्स के 9 और बॉयज़ के 8 हैं। अल्टीमेटली जो मुझे दिया है ऑल ओवर एवरेज कितनी, 8.8। देखो एवरेज कैसे होती है, मैं क्या बोलूँगा 9 मार्क्स पर स्टूडेंट, मैं क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स 9 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो जब भी आप एलिगेशन लगाओगे ना, यहाँ पे जो रेशो आएगा देखो, यहाँ पे ये कितना आएगा 0.8 और यहाँ पे ये कितना आएगा 0.2, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, 4:1 आ गया मेरे पास। डन, क्योंकि एवरेज में एलिगेशन का यूज तकरीबन होता है बहुत जगह पे, आज एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या आएगा, पर के साथ क्या स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, स्टूडेंट्स की रेशो आ गई। कि अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स मेरे पास 4 है और बॉयज मेरे पास कितने हैं 1, ये 40 और 10 भी हो सकते हैं, बट यहीं से मेरा उत्तर आ जाएगा, मुझे कोई एक्स वाई जेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन, कैसे, आप देखिए यदि मैं अब यहां से बात करूं, अब मुझे एवरेज मार्क्स इन हिंदी कितना दिया 8, अगर मैं हिंदी की एवरेज मार्क्स की बात करूं किसकी बेटा, गर्ल्स की, कितना है 8, अगर एक बच्चे के 8 हैं तो यहां पे कितनी गर्ल्स हैं 4, तो 8 चौके क्या हिंदी में 32 मार्क्स होंगे, यस इट हैज टू बी। सो अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा, इंग्लिश में कितने मार्क्स है मेरे पास 7 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बॉयज कितने 1, तो ये टोटल मार्क्स कितने होंगे 7, तो 32 + 7 कितने होंगे 39 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे बेटा मेरे पास 4, 1, 5, तो ये कितना हो गया 40 से कम यानी कितना 7.8, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कितने प्यार से तकरीबन बहुत शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट अगर आप इसको देखेंगे सोल्यूशन बड़े, मतलब एक्स वाई जेड लेके पता नहीं क्या सोल्यूशन का बड़ा सा सोल्यूशन दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं करना, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन वी आर गेटिंग, ओके। सो प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए चलिए भाई, नेक्स्ट क्या दिया, देखिए ये हमारे पास यूपीएससी 2022 का ऐसा क्वेश्चन आया था, एक द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड ए बी सी इज 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों मेरे पास, कि एफ का वेट बी के बराबर है। डन, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, करिए जरा, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल है ही नहीं क्वेश्चन का लेवल कुछ भी, आप कैन नॉट डिटरमाइन तो आ नहीं सकता। देखो मेरे पास क्या दिया, अगर मैं बात करूँ बेसिकली मुझे क्या दिया, देखो ए जमा बी जमा सी एवरेज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 40, तो अगर मैं बात करूं ए
जमा बी जमा सी, ये कितना हो गया 120 केजी आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात होती है एवरेज वेट ऑफ बी डी ई, यानी बी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3 कितना बच्चों मेरे पास स्टूडेंट्स, इट इज 42। सो बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 42 × 3 = 6, 126 केजी। देखो अब जब मैं इन दोनों को, अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अब ये वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है बी और एफ वाले को। डन, देखो जरा मेरे पास अगर मैं इनको ऐड करता हूँ क्या आएगा कि भाई ए जमा बी जमा सी, ठीक है जी, जमा बी जमा डी प्लस सी बराबर कितना हो गया 120 जमा 126, यानी कितना 246 केजी, 240 किलोग्राम। डन, अब देखो उसने क्या बोला भाई, मुझे किसका निकालना है, ए बी सी डी ई एफ, यानी ए बी सी है और बी की जगह मैं एफ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और इस बी की जगह मैं क्या पुट करने लगा एफ इजिकल टू 246। अब मुझे क्या दिया है, मुझे इनकी क्या निकालनी है, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालूंगा, इसको भी डिवाइडेड बाय 6 कर दो और इसको भी डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये कितना हो गया मेरे पास 41 केजी, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का, कुछ भी नहीं था। और ये क्वेश्चन मुश्किल माना जा रहा था कि हाई मुश्किल क्वेश्चन है, क्या मुश्किल है बताइए, इसमें नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस ये बात याद रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, बट हमारा दृढ़ संकल्प और हमारी इच्छा उसको इच्छा पूर्ति बताती है, मतलब हम कितने डेडिकेशन लेवल से उस चीज़ को कर रहे हैं डिपेंड ये करता है, समझ रहे हो? तो बस डेडिकेशन लेवल चाहिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, दैट्स इट। कॉन्टीन्यूटी अपने आप आती है, अगर डेडिकेटेड होना उसको लेके डेफिनेटली आज कल परसों वो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, बट हमारे पास समय कम नहीं है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं, जितना आता उस पर फोकस करो, फिलहाल नई चीज़ करने से पहले सोचो कि क्या ये करनी चाहिए। हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करना है अपने आप को अच्छे से, तो माइक्रो कोर्सेज के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द एवरेज वेट ऑफ 32 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 30.5 केजी, इफ वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 500 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर, बताइए क्या आंसर है इसका। बताइए वेट क्या, सॉरी आंसर क्या है इसका। देखो 32 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट कितना है 30.5 केजी। डन, उसके बाद वो कह रहे एक टीचर ऐड हो गया तो 33 टोटल हो गए स्टूडेंट प्लस टीचर, उनका वेट कितना हो गया मेरे पास 31 केजी, 500 ग्राम बढ़ गया ना प्लस 500 ग्राम, फटाफट मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आंसर है। देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 32 × 3 करो ना, 960 आ गया, 960 प्लस 32 का आधा 16 यानी कितना हो गया 976 केजी है, केजी ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, देखो 33 × 3 इज कितना हो गया 990 प्लस प्लस 33, तो ये कितना हो गया आपके पास 10 ऐड कर दो 1023 जी, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कितना हो गया, वहाँ से बचा 24 यहाँ से बचा 23 कितना हो गया 47 केजी। डन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर? तो कैलकुलेशन करने से पहले सोचिए कि क्या सही वे होगा, जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको। डन, सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको आराम से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। अच्छा, क्या कोई और तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, कैन यू हैव अनदर मैटर टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखो हुआ क्या, अक्सर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है एक ऐसा डेटा जिसमें 32 बच्चों का स्टूडेंट्स का वेट 30.5 केजी है। डन, इसका मतलब अब जो है टीचर प्लस स्टूडेंट का मिला के 31 केजी हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट टीचर 31 केजी का तो है ही है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टीचर 31 केजी का है, अगर मैं 32 बच्चों की बात करूं उनके वेट पे क्या फ़र्क पड़ा है टीचर के आने से, आप कहोगे सर एक बच्चे का वेट आधा किलोग्राम बढ़ा है, तो बेटा 32 बच्चों का कितना बढ़ा होगा 16 किलोग्राम,
ये 16 किलोग्राम कहाँ से आया, ये 16 किलोग्राम टीचर लेके आया, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। कितना हो गया 47 केजी, सिर्फ ये क्वेश्चन है, समझ आते हो, इम्प्लीमेंट करने में देरी मत कर। ऐसे ही कॉन्सेप्ट माइक्रो कोर्सेज के अंदर हैं। मैंने शुरू में क्यों कराया, बिकॉज ये किताब में रटी रटी बातें हैं। ये मैंने क्यों थोड़ा लेट बताया अगले क्वेश्चन पे, रीज़न आप लोगों को हिट करेगा एकदम कि हाँ यार कुछ अलग है। यही सारी चीज़ें बेटा जो माइक्रो कोर्स में बताई गई है, भूल के मत रहना कि ऐसे करके सिलेक्शन होगा, हो जाएगा बट कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा इससे, जब ये शॉर्टकट्स अपनाओगे। अभी बता रहा हूँ मैं, बहुत लंबे टाइम तक काम आएंगी ये चीज़ें। चलिए चलो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 मैन वेंट टू अ रेस्टोरेंट, 11 ऑफ देम स्पेंड 5 ईच एंड 12th पर्सन स्पेंड 11 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। देखो मैंने माना लेट एवरेज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्स रुपीस, ठीक है, एक्स रुपीस पर पर्सन। अच्छा उसने क्या किया, 12 पर्सन थे ना, उन्होंने क्या किया, 11 ने तो क्या किया, 5 रुपये लगाए हर बच्चे ने, तो भाई 55 हो गया, हो गया। अब 12 वाले ने क्या किया, उसने क्या किया, 11 स्पेंड 11 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, इन एवरेज कितना हो गया एक्स, और उससे बेटा 11 रुपये ज़्यादा लगा दिया, डन। सो अगर मैं एवरेज एक्सपेंडिचर की बात करूँ, क्या होगा, 55 प्लस एक्स जमा 11 डिवाइडेड बाय टोटल कितने बेटा मेरे पास, 12 मैन 12, और ये किसके बराबर है मेरा एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज होता क्या, सम अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, डन। तो ये कितना हो गया, 55 प्लस एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 12 एक्स, तो बेटा ये कितना हो गया, 66 बराबर 12 एक्स माइनस एक्स, सो 11 एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 66, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो मेरे पास क्या था, मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड, तो टोटल मनी कितनी होगी, 12 एक्स यानी 12 गुना 6 बराबर कितना, 72 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ आया, बढ़िया क्वेश्चन था ना, बस ऐसे ही करना है आपने, बढ़िया सोल्यूशन देखिए क्वालिटी का, बढ़िया सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, इसके सिवा फोर्थ नहीं कर सकता, 6 मिनट का ट्रायल है। अच्छा सुनो, नहीं लेना मत लो, बट ट्रायल तो ट्राई कर सकते हो, 6 मिनट तो फ्री है ना, जाओ और इन्जॉय करो, जाओ मेरी तरफ से जाओ, ठीक है जी, हो गया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लियर, होपफुली ये क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो एलिगेशन लगा के दिखाऊंगा, यहाँ पर भी एलिगेशन लगाऊंगा मैं, रीज़न मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एवरेज करने के लिए एलिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है, डन। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज, बॉलिंग एवरेज क्या होती है, रन्स पर विकेट, ठीक है, 24.5 रन्स पर विकेट टेक 5 विकेट्स पर 52 रन एंड देयर बाय डिक्रीजेस एवरेज बाय 0.85 रन पर विकेट, ठीक है। व्हाट इज द विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, देखिए क्या दिया, देखो उसकी एवरेज शुरू में कितनी है, 24.85, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ विकेट्स कितनी है, आई डोंट नो अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स ऑफ दिस पर्सन हूज एवरेज इज 24.85 रन पर विकेट, टेक 5 विकेट फॉर 52, इट मीन्स देखो 52/5 कितना हुआ, ये 10.4, मतलब एक ऐसा आदमी है कि, या उसने अगले मैच में क्या किया, एक ऐसा आदमी है जिसकी पहले एवरेज कितनी थी, 24.85, अब उसने क्या किया, अगले मैच में 52 रन देकर 10.5 विकेट ले लिया, यानी एक विकेट के लिए कितने रन खर्च होंगे, 10.4, इसका मतलब 10.5 खर्चे होंगे, तो नंबर ऑफ विकेट कितनी है, 5 विकेट लिए इसने, क्योंकि रन पर विकेट अभी मैंने बताया, पर यहां पे जो रेशो आएगी इसका मतलब देर बाय डिक्रीज एवरेज बाय 0.85, इसका मतलब जो एवरेज पहले 24.585 थी ये कितनी होगी, 24, समझ आई बात। आप यहां पे माइनस करो इसको, देखो ये कितना आएगा, 24 माइनस 10.4 ये कितना होगा, 13.6 ये कितना होगा, 0.85, तो ये कितना होगा, 1360:85, तो 17 से काटो भाई, 80:5, तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, 16:1, यानी अब ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ विकेट का डाटा, समझा के बाद किसका है, नंबर ऑफ विकेट, इसका मतलब अगर मैं एक ही वैल्यू की बात करूँ, एक ही वैल्यू कितनी है, 5, कितने गुना, 5 गुना, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 16 × 5 कितना हो गया, 80, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के दिए हुए हैं भाई, भर भर के,
किसमें, माइक्रो कोर्सेज के अंदर यही सारा शॉर्टकट्स आपको बताया गया। अगर अभी भी ये वीडियोस देखने के बाद भी माइक्रो कोर्स नहीं लोगे तो बेटा कहीं ना कहीं पेपर में दिक्कत हो सकती है, बिकॉज अगर ये शॉर्टकट्स आपको आता है तो वेल एंड गुड है, फिर कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर यहाँ पे भी आप लैग कर रहे हैं तो प्लीज़ जाइए और माइक्रो कोर्स एटलीस्ट ट्राई करो। ट्राई करने 6 मिनट का कोई चार्जेस नहीं, उसके बाद अगर आप लेना चाहें, आपका दिल करे करना चाहें तो कीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं। बट मेरे कहने पर 6 मिनट लगा लो, बिकॉज बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है, बड़ी चीज़ है। पूरा कोर्स लेना ही नहीं मुझे, छोटे छोटे कोर्सेज के ऊपर ही काम करना है, डन। जो चीज़ नहीं आती सिर्फ वही लेनी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ठीक है, अभी PDF माइक्रो कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूँ, है क्या बेसिकली है। देखिए लिंक बेटा इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है, तो देखना ना भूलिए प्लीज़। और 6 मिनट का ट्रायल है, वो तो आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ब्यूटीफुल नेचर क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ। जैसे चूज एग्जाम्स किया मैंने, किया सिविल सर्विसेज एग्जाम CSET, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑन सब्सक्रिप्शंस भी है पूरा हमारे पास, ठीक है। वीडियो कोर्सेज पर, टेस्ट कोर्सेज पर, माइक्रो कोर्सेज के ऊपर मुझे बात करनी है। सबसे पहली बात, वी डोंट हैव एनी नंबर, आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, कॉल मी और आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, कॉल मी या व्हाट्सअप करना आपको। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे अगर मैं मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, सबसे आउटस्टैंडिंग चीज़ इसमें क्या है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे क्या है, देखो जैसे मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, मुझे बताया हुआ प्रॉपर नंबर सिस्टम बता रखे भैया, अप्रॉक्सीमेट लगे 22% क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, तकरीबन 22% डेटा जो यहाँ से आता है। 21.88 क्वेश्चन इन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी वर्क फ्रॉम दिस टॉपिक इन द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 311 में 10 वीडियो लेक्चर्स, नो वेब नोट्स और 374 MCQs, 374 क्वेश्चन करने के बाद खत्म, खलास, गेम ओवर नंबर सिस्टम की, समझ आ गई। और ऐसा थोड़ी ना लेक्चर्स के अंदर नहीं होंगे, लेक्चर्स में भी तो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा डेटा मिल रहा है आपको, क्वालिटी का डाटा। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है पार्ट है ना आपका, वो यही होता है। तकरीबन 15-16% क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड मार्क्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स के रूट सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ₹114 में। एक वेब नोट्स है, वेब नोट्स का मतलब आपको सारा का सारा थ्रेटिकल पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, और 117 MCQs। तो इस तरह आप किसी का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, आप लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, किसी का भी आप ले सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपको लगे आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए अभी PDF माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। आज के लिए इतना ही, मेरे के नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, और बढ़िया तैयारी कीजिए, क्लियर करना है इस बार, अब की बार CSET पार। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू।